चलो लेट्स स्टार्ट विल बी डूइंग द अप्रैल अच्छा अचानको लेट मी शेयर माय स्क्रीन अप्रैल 24 पेपर आज पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम स्क्रैच सो सबसे पहले लेट्स क्विकली डू द एमसीक्यूज़। 21 एमसीक्यूज़ हैं है एंड आई गिव यू 20 मिनट्स टू सॉल्व इट चलो एक एक करके सॉल्व करो एंड चैट बॉक्स में आंसर्स पेस्ट करते जाओ क्विकली

चार्ट बॉक्स में किसी ने नहीं, नहीं लिखा क्या हो रहा है? वो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हाँ? मैं दो मिनट टूट के गई तो तुम लोग लिखो भाई क्या हो गया? ऐसे एक-एक करके सॉल्व करोगे? हाँ? ऐसे नहीं मैंने बोला लाइन से लिखते रहो आंसर्स वन का टू का वेट मत करो किसी का वेरी गुड तारुष देखो पहला वाला है विच चेंजेस आर मोस्ट रेलिवेंट टू माइक्रो इकोनॉमिक रेलिवेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेज पेड टू वर्कर्स एट अ कार मैन्यूफेक्चरिंग प्लांट प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स क्वान्टिटी ऑफ शिप्स ये तीनों क्या है क्वॉंटिटी ऑफ शिप्स is a macro level no doubt but then this is not very relevant very relevant is obviously your change in gdp okay? very good this is the correct answer Two which is correct only if good x is a given good then a rise in the price of good x will result in it's a given good

राइट व शिफ्ट तो नहीं होगा अगेन बजट लाइन में राइट लेफ्ट व शिफ्ट होता है अगेन बट देन इट डिपेंड क्योंकि बजट लाइन किस हिसाब से वो हमें देखना पड़ेगा ये भी देखो प्राइस इंक्रीज अगर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई है एंड देट इज अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड डेस्क एंड गुड डेस्क इज अ गिफ्ट गुड तो ऑब्वियसली ऐसे होता है शिफ्ट नहीं होता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे इट टॉगल्स लाइक इस पे वो ऐसे एक्स uh, एक्सिस पे खाली चेंज होगा और डिक्रीज इन ये वाला भी गलत है तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड गिफ इन गुड लॉ ऑफ डिमांड उल्टा वर्क करता है वेरी गुड तरुष चलो थ्री और फोर क्विकली करो तो

डिमांड कम हो रहा है है ना देर इज अफ्ट फॉर शिफ्ट क्योंकि इट्स अ नॉर्मल गुड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स विल राइज क्वांटिटी सप्लाइड इनकम से सप्लाई का कोई रिलेशन नहीं होता है तो सप्लाई का कोई रिलेशन नहीं है ठीक है ना प्राइस देखो दो चीज बोला है क्वांटिटी सप्लाइड का एक पॉइंट है और प्राइस का पॉइंट है क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा एज एन डायरेक्ट आप नई इम्पैक्ट देख सकते हो इनकम चेंज हो रहा है तो कंजम्पशन साइड से देखना पड़ेगा तो क्या होगा डिमांड कम होगा तो प्राइस क्या होगा डिमांड के बाद वाई डू यू वॉन्ट टू ड्रॉफा यू डोंट हैव टू ड्रॉ ग्राफ प्राइज विल फॉल येस ऑर नो ये आपका डिमांड है तो देर इज अ फॉल इन डिमांड है न इफ देर इज अ फॉल इन डिमांड सपोज हम इधर थे तो प्राइज एज इन कीपिंग अदर थिंग्स इज कॉन्स्टेंट वॉट विल हैपन डिमांड फॉल का प्राइस विल रिड्यूस राइट की क्वान्टिटी चेंज योर प्राइस इज फॉलिंग क्वॉंटिटी डिमांडेड एंड क्वान्टिटी सप्लाइड द मीनिंग इज चेंजिंग ओवर योर है ना डिमांड शिफ्ट हो रहा है तो ऑप्शन डी होगा कोई डाउट है क्वेश्चन थ्री में बोलो क्वांटिटी सप्लाई में कहाँ से इफेक्ट आएगा बताना कोई भी इफेक्ट आएगा नहीं क्वेश्चन फोर करो कोई डाउट है तो अभी पूछो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है पूछ सकते हो आप लोग वेरी गुड पूर्वी वॉट इज द मिनिमम इन्फॉर्मेशन ने टू डिटरमाइन कंपनीज शॉर्ट रन शट डाउन पॉइंट शॉर्ट रन शटडाउन पॉइंट मिनिमम इन्फॉर्मेशन हम लोगों को क्या क्या चाहिए शॉर्ट रन शॉर्ट रन में शट डाउन पॉइंट आप कैसे निकालते हो एवीसी एंड प्राइस कंपेयर करके है ना इफ यू रिमेम्बर द डायग्राम डायग्राम कैसे बनता था

टोटल रेवेन्यू टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल टोटल वेरिएबल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो एवीसी एवीसी तो चाहिए ही एंड ए आर ए आर इज नथिंग बट द प्राइस तो ये दोनों जैसे हमने बोला देखो देख के पता चल रहा है ये वाला से तो होगा नहीं बिकॉज यू विल बी रीडिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो चाहिए ही हमें एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज रेवन्यू टोटल कॉस्ट का कोई मीनिंग नहीं है बिकॉज शटडाउन पॉइंट निकालने के लिए आपको एसी का जरूरत नहीं होता है तो आपको ऑप्शन बी होगा मिनिमम इंफॉर्मेशन वेरी गुड नेक्स्ट आ जाओ कहीं डाउट है तो तुरंत तुरंत पूछो हाई क्वालिटी मेन्सूट मैन्युफैक्चरर है

ने और शुभ ने ए बोला है कंपनी ए इज अनेबल टू प्लेस इट्स कस्टमर्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स मे नॉट बी पॉसिबल ठीक है चलो मान लेते हैं दिस मे नॉट बी पॉसिबल अगर आपके पास कोई सूट बनवाने आ रहा है कांट यू मेक एज ग्रुप्स होता है ना अडल्ट का एंड किड्स सेक्शन अलग होता है तो वाई वाई के नॉट यू डू इट लाइक वेन यू गो एंड परचेज समथिंग इन शोरूम्स वट एवर किड्स सेक्शन अलग होता है अडल्ट सेक्शन अलग होता है किड्स होता है यूजुअली अप ऑफ सी कंपनी ए अनेबल टू पुट पोटेंशियल कस्टमर्स इन टू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन ऑब्वियसली अब आपका हाई क्वालिटी सूट्स है कोई आ रहा है तो आप उसे उसका ऑक्यूपेशन पूछते हो क्या Can, when you you? go to buy a dress, do Do they 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 ask ask like man, they will? Can they ask you a high quality? For example, आप मान्यवर जा रहे हो ठीक है तो मान्यवर में आपको क्या वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड कर सकता है नहीं कर सकता तो दिस इज दिस इज वन ऑफ द आंसर टू कीप प्राइस लो इफ इट वीज प्रोडक्शन ऑफ इट सूट यहाँ पे थर्ड डिग्री कहाँ से आया? डिफरेंट प्राइसिंग ऑप्शन फॉर परचेज ऑफ सूट तो ये भी आपका थर्ड डिग्री से रिलेटेड नहीं है सेकेंड डिग्री से रिलेटेड है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड फोर वी रिश्ती चलो क्वेश्चन सिक्स बोलो प्राइस इलास वन आना चाहिए आर्क मेथड एवरेज मेथड यूज करके कहा से कहा आपका तो देखो ये जितने हैं ना इन सबको कैलकुलेट कर लो 80 से 90 कैलकुलेट कर लो कैसे निकालोगे चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो ये कितना आ रहा है हंड्रेड बाई टेन एंड एवरेज मेथड यूज करने बोला है तो एवरेज मेथड ऐसे होता है क्यू टू माइनस क्यू वन बाय पी टू माइनस पी पी वन इन टू एवरेज मेथड होता है ओरिजिनल पॉइंट मेथड नहीं बोला है तो क्या करेंगे विल टेक अवरेज डिवाइडेड बाय बाय टू को हटा सकते कितने स्लाइली इन्होंने देखो यहाँ एवरेज वर्ड यूज कर दिया है सो हंड्रेड बाय पहले वाले का कैसे निकालूंगी अगर मैं निकाल के बताऊ हंड्रेड बाय माइनस टेन इंटू फाइव हंड्रेड नहीं सॉरी वन सेवेंटी बाय फाइव हंड्रेड सो इज इट कमिंग माइनस वन नो इट्स नॉट सिमिलरली देखो सबके लिए सब लोग डी लिख रहे D का फिफ्टी से सिक्सटी है सो मतलब फिफ्टी से सिक्सटी मतलब हंड्रेड बाय माइनस टेन इंटू हंड्रेड एंड टेन बाय दिस इज ऑल्सो इलेवन हंड्रेड सो येस इट्स गिविंग यू द आंसर एज माइनस वन वेरी गुड एवरेज मेथड बोले ध्यान रखो पॉइंट मेथड बोलता तो पॉइंट मेथड का क्या फॉर्मूला यूज करते हो ओरिजिनल पॉइंट पॉइंट मतलब नॉट मेथड ओनली बट ओरिजिनल मेथड ऐसे यूज करते हैं आर्क में हमने दो पढ़ाए एक हमने पढ़ाए ओरिजिनल और एक हमने पढ़ाए एवरेज ठीक है आज जाओ नेक्स्ट इन डिफरेंस सेट very good a table of alternative combination of goods that give the same utility it gives you combination of goods hai, set of indifference curves that give the same utility to some extent this is correct to some extent this is correct but here, table of alternative combination of goods So hame set an indifference set is not सेट ऑफ इंडिफरेंस इट्स नॉट दैट बट वॉट आर यू ट्राइंग टू से इनडिफर है इट गिवस यू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गिवस यू सेम सेलिटी ऑप्शन ए भी करेक्ट लग रहे देखने में बट वैन यू रीड बी बी बिकम्स मोर रेलिवेंट ये वाला तो डेफिनेटली नहीं होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वे कस्टमर कैन स्पेंड नहीं बजट वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है तो बी होगा कोई डाउट है तो पूछो आ जाओ नेक्स्ट एट नाइन टेन करो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन कॉन्प्ट होता है रिटर्न टू स्केल इट मीन्स तो लॉन्ग शॉर्ट रन शॉर्ट रन को काट दो ठीक है बी सब लोग बी बोल रहे हैं लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट आर अनचेंज एज आउटपुट राइजेस वेरी गुड लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट आर अनचेंज एज लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट है यहाँ पे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है हम लोग क्या प्लॉट करते थे दिस वॉज लॉन्ग एल आर ए सी याद करो एल आर ए सी फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्स्टेंट है कुछ टाइम के लिए दिस इज यहां तक इकोनोमीज ऑफ स्केल जिसको बोलते हो दिस इज सी आर एस कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड दिस इज डी आर एस डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल वेरी ऑर आउटपुट राइजेस एंड कॉस्ट ऑल्सो राइजेस इट विल बी ऑप्शन बी लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट फॉर एवरेज Cost, not total cost. Very good. Question 9. Sales from 10 to 11 reducing price from 10 to 9. While its marginal cost of production of 11th unit is 1. This implies that the firm is Units upka 10 se 11 gaya. Price upka 10 se 9 gaya. And 11th unit ka MC is 1. ऑफ इलेवेंथ यूनिट प्राइस नीचे जा रहे या फिर ए आर समझ लो एंड क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है एंड एम सी है प्राइज अगर आपको डिक्रीज करना पड़ रहा है तो क्या होता है नाइन तो बोलो क्रिशा तुमने सीधा टेन बोल दिया नाइन कहाँ बोला तुमने हाँ क्रिशा नाइन तो बोलो आंसर टेन कहाँ से लिख दिया तुमने पहले भाई तुम लोग डायग्राम भी नहीं समझ पा रहे हो क्या हो गया तुम लोगों को मान लो ये तुम लोगों का एम है अब एम में बोल रहा है कि एम सी इलेवन है फॉर द इलेवंथ यूनिट प्राइस आपका रिड्यूस हो रहा है टेन से नाइन मतलब एम आपका हो रहा है क्या माइनस वन है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के केस में क्या होना चाहिए एम इक्वल्स टू एमसी नहीं होना चाहिए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है ही नहीं सेल्स मैक्सिमाइजिंग हमने कभी पढ़ा ही नहीं है तो अभी के लिए इग्नोर करते हैं इज नॉट फॉलोइंग प्रॉफिट मैक्सिमाइज ये मुझे सही लग रहा है पॉजिटिव मार्जिनल रेवेन्यू ये भी गलत है एम क्या है भाई माइनस वन है ना वेरी गुड और आंसर सी वेरी गुड क्रिस्टी एंड जैसमिन ठीक है ये दोनों इक्वल कहाँ आया नेक्स्ट एम आर तो नेगेटिव जा सकता है ए आर नेगेटिव नहीं जाता है टेन इलेवन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टोटल प्रोडक्ट विल दादा yeah. be, be बता है कृषा जब क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नहीं है सेल्स मैक्सिमाइजिंग क्या होता है सेल्स मैक्सिमाइजिंग तो बोल सकते हैं ठीक है क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो सेल बट है वो देखना पड़ेगा रेलिवेंट कौन सा लग हैं आपको इदर, दोनों सही है चलो सेल्स मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि हम अपना सेल्स इंक्रीज कर रहे प्राइस इंक्रीज करके फाइन बट रेलिवेंट कौन सा है ये बताओ और जब आपको दिख रहा है कि तीन सिमिलर ये चीज देखो आप लोग कि रेलिवेंट कौन सा है दे आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इन थ्री पॉइंट एंड जब फोर्थ पॉइंट uh, में बोला है कि मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव बट हम लोग केस में मार्जिनल रेवेन्यू तो नेगेटिव आ रहे है, ना सीएस so मैक्सिमाइजिंग yes, चलो मान लेते हैं हाँ हो रहा है बट रेलिवेंट कौन सा है ये देखना पड़ेगा हमें मैंने ऊपर भी क्या बोला कि ये सही लग रहा है कौन सा था एक हाँ ये बट रेलिवेंट कौन सा ज्यादा होता है वो देखना पड़ेगा ठीक है टेंथ नंबर क्या है Law of diminishing returns as input of variable factor of production is increased. Total product will. Diminishing returns. Again a, long, a law of diminishing returns. Short run concept. इंक्रीज इन लीनियर फैशन तो नहीं होगा एज द फैक्टर्स इंक्रीजेज क्वान्टिटी लेबर एज दिस इंक्रीजेज इज योर क्वान्टिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग नो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग नो इंक्रीज इनिशियली इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट देन इंक्रीज ये भी गलत है पहले वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है एंड देन ऐसे दिस इज योर टोटल प्रोडक्ट Graph, so uh, का ग्राफ है ना सो इट एन इंक्रीजिंग रेट एंड्रीजे इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट सी होगा ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व था जो मैंने बनाया मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे बनता है ऐसे फिर वो ऐसे जब ये स्टार्ट हो जाते हैं फॉल होना ऐसा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट है ना इट्स so दिस जीरो वैंड इट्स हाइएस्ट दिस इज योर एमपी ये ग्राफ देखो आप लोगों को अगर नहीं पता होंगे आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे इसलिए मैंने हर बार ग्राफ पे फोकस किया है कूनो मॉडल कूनो मॉडल में कब होता है क्रिशा इज सी इलेवन का सी वेरी गुड क्रिशा जामिन कूनो मॉडल में रिएक्शन फंक्शंस इंटरसेक्ट करते हैं ना हमने आर ए और आर बी बनाया था जहां पे वो ऐसे और ऐसे करके जो दो बनाया था हमने ठीक है जहां ये आई होप आपको क्लियर है मोनोपली और प्राइस में ये सब नहीं होता है रिएक्शन फंक्शन इक्वल होना चाहिए कि सामने वाला क्या करेगा उसके सामने वाला जो चूज कर रहे हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए वोट आई एम डूइंग एंड सामने वाला मेरे को ध्यान रखते हुए क्या कर रहे हैं सो so, वो चीज है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व प्राइस इज फिफ्टी प्राइस ऑफ कैपिटल इज लेबर इज फिफ्टी कैपिटल के इज हंड्रेड पहली बात तो आपका यूनिट्स ऑफ कैपिटल जब चेंज हो रहा है तो ये लॉन्ग रन है शॉर्ट रन नहीं है तो आपका डिमिनिशिंग रिटर्न वाला मार्जिनल रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा या तो इन तीनों में से ही एक होगा और क्या हो रहा है देखो इक्वल प्रपोर्शन में भर रहा है और आपका आउटपुट कितने से चेंज हो रहा है दिस इज इंक्रीजिंग बाय हंड्रेड परसेंट आउटपुट ये कितना परसेंट चेंज है एट्टी परसेंट ये कितना परसेंट चेंज है लेस देन हंड्रेड परसेंट है ना और यहाँ हंड्रेड परसेंट चेंज हो रहा है दोनों में सो डिक्रीजिंग रिटर्न आना चाहिए मेरे ख्याल से है ना डिक्रीजिंग रिटर्न आएगा बिकॉज यूनिट्स ऑफ कैपिट बिकॉज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंजिंग बाय हंड्रेड परसेंट बट दिस इज चेंजिंग बाय लेस हंड्रेड परसेंट चलो नेक्स्ट Monopolist in household gas. तो ऑलरेडी एक मोनोपलिस्ट है इट्स फॉलोइंग लिमिटिंग लिमिट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एज अ पार्ट ऑफ लिमिट प्राइसिंग में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस हम लोग कब कहा रखते हैं? लिमिट प्राइसिंग में यस yes, प्राइस हम लोग कहाँ रखते हैं आप लोगों ने आंसर सही दिया है बट प्राइस कहाँ रखते हैं लिमिट प्राइसिंग में मोनोपलिस्ट प्राइस इक्वल टू क्या रखता है एवरेज कॉस्ट बिलो शॉर्ट टर्न प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिलो ए सी रखता है क्या क्रिशा दट इज वॉट यूर सींग बिग फॉर्म इज कर प्रोड्यूसिंग क्यू चार्जिंग पी हाव एवर न्यू कंपनी हैज डिसाइडेड टू एंटर वॉट इज द लाइकली रीजन न्यू कंपनी हैज़ लोअर मार्जिनल कॉस्ट देन बिग फॉर्म तो अगर मार्जिनल लिमिट प्राइसिंग का ग्राफ कैसे बनेगा बताओगे एक बार लेट्स सपोज दिस इज ए आर दिस इज एम आर दिस इज ए सी मान लो दिस इज ए सी दिस इज एम एम सी हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ये आ रहा है पॉइंट बट हम लोग कहा रख रहे हैं इससे कम इस पॉइंट पे आपका प्रॉफिट है ज्यादा एसी नीचे है तो आप कम रख रहे हो तो जो नया फॉर्म आ रहा है क्या उसका एमसी हमसे कम है या बिग फॉर्म्स एमसी आर अबव बिग फॉर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू बिग फॉर्म्स एमसी इज अबव मार्जिनल रेवेन्यू क्या ये डिसीजन ये तो अगर अबव है इसका मतलब वो इस रेंज में है लॉस मेकिंग है इस पार्ट में है दिस शुड नॉट बी द रीजन की न्यू कंपनी इज एंटरिंग ये वाला जो पार्ट है जहां पे एम सी इज ग्रेटर दैन एम आर तो ये तो रीजन नहीं होगा ना वाई इट इज एंटरिंग द मार्केट Yes, new companies average costs are below price P. a my average cost at least I'm keeping price here. I cannot go below that because it will cost loss to me as big firm. So big firm's average cost is higher than price P. This is not possible because then I'm loss making. I will not do that as a monopoly. I either I'll keep a no loss no profit, और मोर देन दैट तो यहां होगा तो जो नया फॉर्म आ रहा है उसका ए सी हमसे कम होगा ना वेरी गुड कृषा प्रिडेटरी प्राइसिंग इज बिलो एसी प्रिडेटरी प्राइसिंग हम लोग करते हैं जब हम लोग लॉस करते हैं अपना लिमिट प्राइसिंग यस इट इज नॉट रिलेटेड टू ए सी लिमिट प्राइसिंग होता है जब हम लोग एमसी और एमआर बट आपको ये बताना पड़ेगा कि न्यू कंपनी जो एंटर कर रहा है उसका कॉस्ट इज बिलो आर प्राइस तभी वो उतना में आके हमसे कम चार्ज करके निकल जाएगा हमसे कम चार्ज करेगा बट वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा ठीक है तो इट्स ऑप्शन सी वेरी गुड मतलब हमारा प्राइस यहाँ है तो उसका ए हमसे कम है बिलो दिस पॉइंट तभी वो आके हमसे नीचे चार्ज करके निकल जाएगा ठीक है नेक्स्ट एडेड टू ग्रॉस जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू अराइव एट ग्रॉस नेशनल इनकम डोमेस्टिक से नैशनल कैसे जाते हैं वेरी गुड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करके स्टॉक का कोई मीनिंग ही नहीं है इसका भी और इसका भी कोई मीनिंग नहीं है वेरी इजी दिस वॉज वेरी इजी ओपन इकोनमी हाई डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉल इन स्टॉक्स ऑफ गुड्स एज अ राइज इन एंड अ राइज इन आउटपुट प्लैंड सेविंग्स प्लैंड इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट रिसीट्स आप लोग सब लोग बी बोल रहे हो मतलब सेविंग्स प्लस टैक्स अच्छा जब ये है तो इसका मतलब क्या है दीज आर विदड्रॉवल्स इज लेस देन इंजेक्शन तो जब विड्रॉवल इज लेस देन इंजेक्शन तब हम लोग बोल रहे हैं

कॉन्ट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक इज सेलिंग द बॉन्ड्स बाय सेंट्रल बैंक देन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट विल व्हाट इंक्रीज और डिक्रीज पहले तो वो देखो एंड देन उसके वजह से इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज होता है प्राइस इंक्रीज होता है देर इज अन्वर्स रिलेशनशिप ए इंक्रीज होगा वेरी गुड

39 marks. 17 का तो बोल रहे हो इन अ क्लोज्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन तो टैक्स रेट दिया हुआ है परसेंट कंजम्पशन इज रिलेटेड टू करंट डिस्पोजेबल इनकम ये हम लोग को सी दिया हुआ है ये पूरा दिया हुआ है आई दिया है जी दिया है तो मतलब हो गया हम लोग का 20 प्लस जीरो पॉइंट फाइव वाई डी प्लस हंड्रेड प्लस वन Which of the following is false? Yd बोला है ना डिस्पोजेबल इनकम है तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स है ना तो वन माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव वाई सिंपल वाई डी इज इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव टैक्स इन टू वाई ये होता है रिलेशनशिप तो यहाँ वाई आ गया तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स तरुष ने लिखा है 17 का डी जैस्मीन ने लिखा है बी दोनों अलग-अलग इक्विलिब्रियम इज 600 इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है वाई सॉल्व करके बताना एक बार 120 240 0.75 0.8 कितना होता है करना एक बार भाई भाई 600 आ रहा है तो ये तो ट्रू आ जैस्मीन ये तो ट्रू है फिर अगर 600 आ रहा है तो फिर नेशनल इनकम इज 800 तो ये वाला गलत है क्योंकि नेशनल इनकम फिर इफ नेशनल इनकम इज 800 हंड्रेड कंजम्शन एक्सपेंडिचर इज 500 तो डालो इसमें 800 हंड्रेड डाल के देखो क्या आता है 200 हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट एट इंटू जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू एट हंड्रेड डाल के देखो टैक्स रेवेन्यू एट इक्विलिब्रियम इज वन फिफ्टी तो सिक्स हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव इज द टैक्स रेवेन्यू ये आ रहा है, है तो ये भी ट्रू है मतलब सॉरी ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज फाइव मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं वन माइनस एम पी सी डी यहां आप लोग MPCD क्या कंसिडर करोगे 0.8 इनटू 0.75 कंसीडर करेंगे क्या? 0.6 कंसीडर करेंगे ना तो 1 बाय 0.4 कितना होता है? 2.5 होता है तो दिस इज़ रॉन्ग तो ये हो गया फॉल्स ये है वेरी गुड चलो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नॉट वेरी गुड जैसमिन ए होगा बहुत ही सिंपल है इंप्लॉयमेंट भी है ग्रो, इन्फ्लेशन रेट बैलेंस्ड फिजिकल बजट हमारा नहीं होता है फिजिकल बजट क्या होता है बताए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रेवेन्यू हम लोग का बैलेंस बी बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नॉट फिजिकल बजट आ जाओ नाइनटीन ट्वेंटी आ जाओ एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सपोर्ट गुड्स इन विच इट हैचुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑपरचुनिटी कॉस्ट इज दर्ड इम्प्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है इम्पोर्ट चीप लेबर ये वाला चीज कॉन्सेप्ट नहीं है अट्रैक्ट फॉरिन नहीं है स्पेशलाइजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपेरेटिव एडवांटेज लोअर ऑपरचुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नेक्स्ट ट्वेंटी

राइज इन बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड येस दिस विल बोरो और करोगे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो और ज्यादा बोरो करना पड़ेगा टू बट दिस इज नॉट ऑलवेज रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन नेशनल डेट फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं डिरेक्ट रिलेशनशिप किससे बनता हुआ दिख रहा है यहां पर आपको ट्वेंटी रेलिवेंट ठीक है इंक्रीज डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम हाँ बोलो बाय नॉट बी राइज अगेन आई विल आंसर द सेम क्वेश्चन थिंग ऑफ द वर्ल्ड तुम बोरो कर रहे हो तो नेशनल डेट तो भर रहा है ऑब्वियस है नेशनल डेट भरने का मीनिंग है बोरोइंग दिस इज द मीनिंग यहाँ पे कॉज बोला है कॉज इज राइज इन फिजिकल डेफिसिट आपका ट्रेड अकाउंट डेफिसिट से फर्क नहीं पड़ता ए से भी फर्क नहीं पड़ता उतना बी का तो मीनिंग है मतलब नेशनल डेट इंक्रीज होने का मीनिंग है कि आपका बोरोइंग इंक्रीज हो रहा है ना दैट्स मीनिंग एंड जरूरी नहीं की आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ही लेते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग भी करता है गवर्नमेंट ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर पूर्वी सो बी में और अगर स्पेसिफिक जाओ जरूरी नहीं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ही बोरो करें हमने पढ़ा है ना जो हम लोग लास्ट क्लास वो फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स वो फ्लो वाला जो कर रहे थे सॉरी फ्लो ऑफ वाला उसमें हम लोग देख रहे थे ना गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम टू थ्री थिंग्स चलो ट्वेंटी वन राइज इन डोमेस्टिक नेशनल इनकम इफ एन ओपन इकोनोमी इज एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ट्वेंटी वन का ए बोल रहे हो इफ डोमेस्टिक क्या बोले इंक्रीज इन डोमेस्टिक नेशनल इनकम इफ एन ओपन इकोनॉमी इज एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट तो अगर हम लोग लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट में है कैसे हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा फॉल इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गोज डाउन तो हम लोग सेविंग्स कम करते हैं एंड वी आर कंज्यूमिंग मोर तो तो इससे in इससे हमारा कम कम होने का मतलब exports कम होना। तो ये भी नहीं 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 है। बढ़ेगा। राइज इन इम्पोर्ट मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू इम्पोर्ट से भी क्या होता है आप इम्पोर्ट ज्यादा करोगे पैसा बाहर जाएगा तो नेशनल इनकम कम होगा राइज इन टैक्सेशन से भी विड्रॉल्स ये तीनों विड्रॉल्स तो ये होगा ए होगा वेरी गुड ट्वेंटी टू राइज इन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नैचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किससे बढ़ रहा है तरश वेरी गुड बी राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अगर बढ़ेगा तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही अगर आप जो अनएम्प्लॉयड है उनको आप ज्यादा पैसा दोगे बेनिफिट्स दोगे ऑफ बींग अनएम्प्लॉयड तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट natural रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वे पीपल एट द करेंट वेज रेट आर नॉट विलिंग टू अप, दे आर अनएम्प्लॉयड बट नॉट विलिंग टू अप, तो क्यों लेंगे जब उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं बाकी ऑप्शन चेक करते हैं राइज इन गवर्नमेंट एक्स फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये उल्टा हो गया गवर्नमेंट स्पेंड कम कर रहे हैं हम पे तो ये उल्टा हो गया डिक्रीज इन मनी सप्लाई तो मन पीपल विल बी वेटिंग राइट करेक्ट प्रशा डिक्रीज इन मनी सप्लाई डिक्रीज इन मनी सप्लाई से भी क्या होता है कि अगेन द सेम थिंग आप बेनिफिट्स कम पे आउट करो इम्प्रूव इंफॉर्मेशन इम्प्रूव इंफॉर्मेशन फ्लोज ऑन जॉब अवेलेबिलिटी तो इससे तो आपको ऑब्वियसली कम होगा तो ऑप्शन बी चलो नेक्स्ट

सॉरी हम इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे हम इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे फॉर एग्जाम्पल अभी है एट्टी डॉलर्स सॉरी एट्टी रुपीज इज इक्वल टू वन यूएसडी अगर ये हो जाता है सेवेंटी तो ये अप्रिसिएशन हुआ ना तो अब मुझे सेवेंटी रुपीज देना पड़ रहा है वन यूएसडी के लिए पहले मुझे एट्टी रुपीज देना पड़ रहा था तो आई विल इम्पोर्ट मोर तो इंक्रीज होगा डिक्रीज वाला ऑप्शन ही कट जाएगा इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होगा उल्टा होता है हमेशा एक्सपोर्ट विल डिक्रीज तो डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज दोनों सेम आ रहे हैं थर्ड वाला क्या है एंड डैश द रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या होगा पैसा अंदर ज्यादा आ रहा है कि बाहर क्या हो रहा है मतलब डिक्रीज द इन्फ्लेशन क्यों इन्फ्लेशन डिक्रीज पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज़ का डिमांड कम हो रहा है तो प्राइस इज फॉलिंग फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज तो रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन विल डिक्रीज वेरी गुड आ जाओ ट्वेंटी फोर बिच ऑफ़ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड एज अ प्लस

आप डॉलर बेच के आई एन आर खरीद रहे हो गोल्ड बेच के आई एन आर खरीद रहे हो तो इससे बीओपी में एड होना चाहिए लेट सी अदर ये तो नहीं होगा फॉर श्योर आउटवर्ड एफ डी आई आउटवर्ड एफ डी आई आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो तो माइनस इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर तो ऑब्वियसली माइनस तो अगर किसी को नहीं भी पता है ना बी कैसे हो रहा है तो बाकी एलिमिनेशन मेथड से बी आ जाएगा मान लो मेरे को नहीं पता बट बाकी चीजें तो ईजी है बाहर पैसा दे रहे हो इंडिया से बाहर लोन दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं सबसे पैसा बाहर जा रहे हैं 25. फाइव करेक्ट ड्रॉइंग ऑन इज प्लस 25. गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ए अनाउंसेस टू न्यू माइक्रो इकोनॉमिक प्लान central bank will increase its purchases of country a's government security it is going to increase taxes for every income bracket in country a which macroeconomic policy relate to these two new plans central bank will increase its purchases of securities omo open market operations it is going to increase tax for every income bracket पहला वाला क्या है पहला वाला देखो मॉनेटरी पॉलिसी है क्योंकि सेंट्रल बैंक एक्ट कर रहा है और ये फिजिकल पॉलिसी है ये चीज क्लियर है अब कॉन्ट्रैक्शनरी है कि क्या है तो मॉनेटरी मॉनेटरी, फिजिकल फिजिकल ये इन्होंने सही लिखा है ठीक है ये इन्होंने सही लिखा है अब ये पहले वाला क्या है जब वो परचेज करेगा तो पैसा देगा तो एक्सपेंशनरी होगा ना तो कॉन्ट्रैक्शनरी कॉन्ट्रैक्शनरी कट इसमें भी टैक्सेस अगर इंक्रीज कर रहा है तो पैसा ले ले रहा है तो उसकी वजह से पैसा मेरे पास कम बच गया मैंने टैक्स में ज्यादा दे दिया तो आई एम स्पेंडिंग लेस कॉन्ट्रैक्शनरी होगा है ना तो एक्सपेंशनरी कट तो ये होगा सी आंसर सी है वेरी गुड लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट आफ्टर एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिनेंस्ड बाई इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोइंग उउडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है लास्ट क्लास किया है जासमिन रिमेंबर यू आर दिस क्वेश्चन राइज इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कैसे फाइनेंस कर रहा है उससे कंज्यूमर इंक्रीज सेविंग एज दे एक्सपेक्ट हाईअ्यूचर टैक्सेस इसे क्राउडिंग आउट नहीं बोलते हैं क्राउडिंग आउट कहाँ आते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ेस ड्यू टू ग्रेटर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट आफ्टर एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिनेस बाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है क्या कभी भी कि डिक्रीज होता है डिक्रीज होता है ना तो नॉट है तो यही होगा एक्सपोर्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट अप्रीज ये सब कहाँ से आ रहे हैं मतलब कुछ भी दे दिया है ऑप्शंस में कुछ भी दे दिया है इजी बनाने के लिए सी होगा क्लियर कट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गोज डाउन इन क्राउडिंग आउट इफेक्ट है ना तो ये हो गए माई ट्वेंटी सिक्स यू शुड कम्प्लीट इट विद इन ट्वेंटी मिनट्स मैक्सिमम थर्टी उससे ज़्यादा अगर आपको लग रहा है प्लीज मूव फॉरवर्ड आपको आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे सीबी टू का पेपर अगर कोई बच्चा नहीं कंप्लीट कर पा रहे द ओनली रीजन इज यू आर नॉट एबल टू डू द एमसी क्यूज ऑन टाइम ठीक है फर्स्ट लेट्स डू इट